हरदोई पुलिस ने चोरियों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कस्बे में रेकी करके चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने जिनके पास से 2 पायल, 1 हटफूल सफेद धातु, 1 तांबा का हांडा प्लेट व 2100 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने सामान बेचने जा रहे आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। बिलग्राम पुलिस ने एक सक्रिय चोरी के गैंग का भंडाफोड़ किया है। विभिन्न चोरियों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पायल, 1 हाथफूल सफेद धातु, 1 तांबा का हांडा प्लेट, 2100 रुपए नकद बरामद किए हैं। जिन्होंने पूछताछ में बताया कि कस्बे में रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इससे पूर्व उन्होंने सांडी के ककेरी बिलग्राम के सैयदवाड़ा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने उनको घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम वासिफ, नादिर और नबी हसन निवासी बिलग्राम बताया है। पुलिस ने विभिन्न चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी करते थे, जिसके बाद जब उन्हें अंदाजा हो जाता है तभी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने नेवादा मोड़ रोड प्लाईवुड फैक्ट्री के पास से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह चोर पहले मकानों की रेकी किया करते थे, जिसके बाद वह चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन सभी शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको अब विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा नेवादा मोड़ के पास से 3 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ग्राम ककेरी थाना सांडी तथा कस्बा बिलग्राम में जो चोरी घटनाएं हुई थी उनको इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इनके पास से 2 पायल सफेद, 1 हाथ फूल, 1 हांडा और 2100 नकद रुपये चोरी के बरामद हुए हैं। इनके नाम वासिफ, नादिर और नबी हसन हैं। तीनों थाना बिलग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा और क्या घटनाएं की गई हैं इस संबंध में पुलिस द्वारा जानकारी की जा रही है। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।